नींबू की चाय परफेक्ट कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन टी। इस गर्मी के मौसम में बच्चे लोग को दूध वाली चाय ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। अगर वो चाय मांगते हैं तो आप उन्हें लेमन टी दीजिए। यह बहुत हेल्दी और टेस्टी चाय है। बहुत लोगों को पता नहीं होती है कि लेमन टी बनती कैसे है, इसकी परफेक्ट मात्रा क्या है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि लेमन टी कैसे बनाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए हमने एक सॉस पैन लिया है, 2 कप पानी डालेंगे। हमने 2 कप पानी लिया है और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। पानी जब तक उबल रही है हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 1/2 इंच अदरक लिया है और 5 ब्लैक पेपर लिया है, जिसे गोलकी भी बोलते हैं। अब गोलकी और अदरक को हम कूट लेंगे। देखिए हमने कूट लिया है मसालों को और इसके साथ ही हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। ये भुनी हुई जीरा पाउडर है, मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। देखिए एकदम छोटा चम्मच है, कितना छोटा है, इसी से हम 1/2 चम्मच डालेंगे। इतना छोटा दालचीनी का टुकड़ा डालना है, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना। देखिए 1/2 उंगली के बराबर है ये दालचीनी का टुकड़ा, बस इसे डालना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। पानी में भी उबाल आने लगी है, जो हमने मसाला रखा है सभी पानी के अंदर डाल देंगे और इसके साथ ही हम चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती हमें 2 चम्मच नहीं डालनी है दूध के चाय की तरह। देखिए चाय पत्ती की मात्रा इतनी होनी चाहिए, 1/2 छोटी चम्मच से भी कम, 2 चुटकी के बराबर इतना ही हमें चाय पत्ती डालनी है। 2 चम्मच चीनी डालेंगे, 2 चम्मच अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक उबाल लेंगे, क्योंकि पानी में मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें आ जाती है, इसलिए हम 1 से 1.5 मिनट इसे उबालेंगे। इसमें चाय पत्ती की मात्रा ज़्यादा नहीं डालनी होती है, नहीं तो लेमन टी कड़वा लगती है। बस चाय पत्ती की मात्रा परफेक्ट होनी चाहिए। अगर चाय पत्ती अच्छे से डाली रहती है, जितना मैंने डाला है, तो लेमन टी स्वाद से भरपूर होता है। ये बच्चों को भी पीने के लिए दे सकते हैं, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, आप बच्चे भी बहुत पसंद से पीते हैं। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुकी है। देखिए चाय पत्ती और मसाला अच्छे से उबल चुकी है। अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और गैस से हम नीचे उतार लेते हैं। अब इसके साथ ही हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, 1 चम्मच, और इसे मिला देंगे। नींबू का स्वाद अपने अनुसार भी रख सकते हैं, किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद होता है तो किसी को कम, इसलिए नींबू अपने स्वाद के अनुसार डालें। हमने इसमें 1 चम्मच डाला है, 2 कप चाय में 1 चम्मच नींबू का रस। छान लेते हैं। देखिए फ्रेंड कैसी लग रही है लेमन टी। ये परफेक्ट लेमन टी बनके तैयार हो चुकी है। बाहर में जब हम जाते हैं ना लेमन टी पीते हैं तो बहुत ही कड़वी होती है, उसमें चाय पत्ती की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उस तरह का चाय नहीं पिए। ये परफेक्ट लेमन टी बनके तैयार हो चुकी है। आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अगर वो चाय मांगते हैं तो लेमन टी बना के दीजिए, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।